नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर ब्यूटी गार्डन चैनल में। मैं सोनू कुमार आज बताऊंगा कि मेरी गोल्ड या गेंदा के फूल का सीड कैसे कलेक्ट करें। तो दोस्तों देखिए, सीड को हम कैसे कलेक्ट करते हैं, उसी प्रोसेस से, उसी दिशा से आप भी सीड कलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, सीड कलेक्ट करते हैं। दोस्तों जो फ्लावर फूल सूख गए हैं उसे आप तोड़ लें। तोड़ के देखिए दोस्तों, ये मैंने फ्लावर, इस तरह के फ्लावर तोड़ लिए हैं। इसी में बीज होते हैं दोस्तों, और बताता हूँ बीज कैसे होते हैं दोस्तों। दोस्तों मैं दो कलर के बीज कलेक्ट करना चाह रहा था, इसीलिए मैं दोनों को तोड़ लेता हूँ। एक फूल इस कलर में तोड़ लेता हूँ। इस देखिए दोस्तों, इनमें भी बीज होंगे दोस्तों, कि आप अगले साल के लिए इसे फिर से खिला सकते हैं दोस्तों। दोस्तों ये देखिए, फूल को आप तोड़ लीजिए, इसकी पंखुड़ी जितने भी हैं हटा लें। आपको ये देखिए दोस्तों, ये जो ब्लैक ब्लैक, ये वाइट, ये यही मैरीगोल्ड गेंदा फूल के सीड है दोस्तों। इसे आप पेपर में कुचल के रख ले दोस्तों। इसी तरह देखिए दोस्तों, ये रहे ये सीड है दोस्तों। इनमें भी दिखा देता हूँ दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये रहे ये काला, जो ब्लैक है काला, वही सीड है दोस्तों। आप उसे कलेक्ट करके रख ले दोस्तों, से मोड़ ले। अगले साल के लिए दोस्तों इसे फिर से उगाएंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, उसी तरह दोस्तों क्रेमडोला के जैसे सीड कलेक्ट करके रखे, तो उसी तरह इसे भी आप रख लें दोस्तों। इस तरह के पाउच ले ले आप, चाहें तो घर वाले भी प्लास्टिक, आप बोल ले तो आपकी लैंग्वेज में जो बोला जाए, इस कवर को उस तरह के कलेक्ट करके आप रख सकते हैं दोस्तों। ये आप मेरा ये पीला कलर का था, अब ऑरेंज कलर के भी फूल को उसी तरह देखिए दोस्तों, इसमें भी कुछ ऐसे ही है, यही सीड है दोस्तों। आप देख सकते हैं ये सीड होते हैं दोस्तों, इसी को आप उसी प्रोसेस में रख लें दोस्तों। दोस्तों देखिए, दो दो पॉच में अलग अलग कलर के रखें। मैंने इसके पंखुड़ी इसलिए नहीं तोड़े कि ये पंखुड़ी जो पीले कलर के हैं उसको इसीलिए ना तोड़े कि क्योंकि इससे पता चलेगा कि ये कौन से कलर के फ्लावर आएंगे इसमें। इसीलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।